दोस्तों सितंबर माह का जो आपका सेट वन है मासिक जांच परीक्षा का हिंदी विषय का हम सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें कक्षा है 10 और सितंबर माह है और 2 घंटे का समय है, 50 मार्क्स हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या आया था? तो पहला क्वेश्चन जो आया था इसमें निर्देशानुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन था इसमें था बाल गोविंद भगत की श्रद्धा किन पर थी। तो बाल गोविंद का चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो उसका आंसर था उनकी श्रद्धा कबीर पर थी, वो कबीर को बहुत मानते थे। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन जो ही ये वाला ऑप्शन है इसको आप करेक्ट कर लेना, फर्स्ट वाला पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आया था मोहल्ले में अनियमित विद्युत व्यवस्था को ठीक कराने के लिए सहायक विद्युत अभियंता को पत्र लिखना है। तो आपकी मर्जी है, आप एड्रेस कोई भी डालें, यहाँ पर एड्रेस आपकी मर्जी है। जैसे कि यहाँ मान लीजिए आप झारखंड के हैं निवासी, तो यहाँ पे झारखंड डाल देंगे, यहाँ पे रांची डाल देंगे, रांची झारखंड, और दिनांक ये, उसके बाद में आपका जो है सहायक विद्युत अभियंता जो भी जिसके लिए लिखना है, यहाँ पर लिखा है सहायक विद्युत अभियंता के लिए, तो विद्युत बिजली विभाग नई दिल्ली है तो नई दिल्ली और रांची है तो झारखंड हम लिख देंगे। ठीक है, विषय मोहल्ले में अनियमित विद्युत व्यवस्था को ठीक कराने हेतु, तो क्योंकि ये अनियमित व्यवस्था को ठीक कराने के लिए पत्र है। अब इसके बाद में हम महोदय सविनय निवेदन है कि इन दिनों दरियागंज के समस्त यानी कि आपके मोहल्ले का नाम लिख सकते हैं समस्त निवासी अनियमित बिजली आपूर्ति से जूझ रहे हैं। इस क्षेत्र में 7 से 8 घंटे बिजली गायब रहती है। मार्च अप्रैल का महीना होने से बच्चों के अध्ययन में रुकावट आ रही है तथा गर्मी की शुरुआत होने से सब परेशान हैं। बिजली नहीं आने से पानी की समस्या सबसे बड़ी है, मतलब बिजली नहीं आएगा तो पानी मोटर वगैरह नहीं चलेगी। इस समस्या के समाधान हेतु हमने कई बार बिजली कर्मचारियों अधिकारियों को सूचित किया लेकिन कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो सकी। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेरी समस्या पर ध्यान दें और इस संबंध में उचित कार्रवाई करें। इस कृपा के लिए हम सदैव आपका आभारी रहेंगे। सर धन्यवाद, जो भी आप नाम लिखना चाहें लिख सकते हैं। इस तरह से ये सॉल्यूशन देना था क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 जो आया है इसमें आया है अपने मित्र को जन्मदिन की शुभकामना देते हुए पत्र लिखना है। तो आप एड्रेस लिखेंगे, जैसे मैंने डाल दिया रांची झारखंड, दिनांक डाल दिया और मित्र व सतीश सब प्रेम नमस्ते, अब हम इनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे। तो थोड़ा लेटर को घुमा करके लिखना पड़ता है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में कल ही मुझे तुम्हारा निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ। तुम्हारा जन्मदिवस हम सब के लिए अत्यंत हर्ष का दिन है। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं इस शुभ अवसर पर अवश्य पहुंचूं, परंतु मेरी परीक्षाएं अत्यंत निकट होने के कारण मैं स्वयं को असमर्थ पा रहा हूं। मुझे उम्मीद है मेरी विवशता को ध्यान में रखते हुए मुझे क्षमा करोगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा तरीके से आपको हिंदी लिखनी होगी तो अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो जब भी आप लेटर लिखें तो अपने वाक्यों पे ज़्यादा ध्यान दें। तुम्हारे जन्मदिवस के शुभ अवसर पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई व समस्त मंगल कामनाएं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जीवन में वह सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जिसकी तुम कामना करते हो। पुनः जन्मदिवस की समस्त शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा अभिन्न मित्र, जो भी आप लिखना चाहें नाम, अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन जो दिया गया है निम्न मुहावरे का अर्थ लिखें। अर्थ पूछा है, मैंने वाक्य में प्रयोग भी किया है। ठीक है, पहला है जी तोड़ काम करना, इसका होता है बहुत मेहनत करना। वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, मेरे भाई ने जी तोड़ मेहनत की थी तब जाकर मेडिकल में एडमिशन मिला, या पुलिस में भर्ती हुई, या आर्मी में भर्ती हुई, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो इसमें पूछा है ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी कि कड़ा प्रतिरोध करना या मुंह तोड़ जवाब देना। प्रयोग हम कर सकते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना गांधीवादी सिद्धांतों के विपरीत है या खिलाफ है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो तीसरा पूछा है, इसमें जान से हाथ धोना और उसके बाद 9-2-11 होना। ठीक है, ऊपर देख रहे हो ना आप काले कलर में पेपर में लिखा हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जान से हाथ धोना यानी मर जाना, उसके बाद में जैसे कि प्रयोग कर सकते हैं अमरनाथ यात्रा पर पत्थर खिसकने से कई यात्री जान से हाथ धो बैठे, सबसे अच्छा उदाहरण है ये। चौथा क्वेश्चन है 9-2-11 होने यानी भाग जाना, वाक्य प्रयोग कर सकते हैं पुलिस के पहुंचने से पहले आतंकवादी 9-2-11 हो गए। ठीक है, या फिर चोर 9-2-11 हो गए, या लुटेरे 9-2-11 हो गए।
पांचवा क्वेश्चन जो आया है इसमें है, निम्न के भावार्थ लिखें, यानी कि ये जो दो पंक्तियां दे रखी हैं, एक्चुअली में चार पंक्तियां हैं ये, तो ये चार पंक्तियों का पूरा भावार्थ आपको समझाना था। तो भावार्थ जो है, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम बड़े ही भागी हो, भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से दूर हो, तुम प्रेम के बंधन से मुक्त हो, यहाँ पे इसको ब सही कर लेना, बंधन से मुक्त हो, जैसे कमल के फूल की पत्तियाँ जल में रहकर भी जल के या जल से ऊपर रहती हैं, जल में गलती से मिलती नहीं हैं, उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती, जल का कोई दाग भी उस पर नहीं लगता, तुम तो ऐसे ही हो जैसे तेल की मटकी को पानी में डुबो देने पर भी एक भी बूंद उसके ऊपर नहीं ठहरती, तुमने प्रेम की नदी में अभी तक पांव नहीं रखा है, तुम्हारी दृष्टि किसी को देख कर के भी उसमें उलझी नहीं है, किसी से प्रेम स्थापित नहीं हुआ है, लेकिन हम अब लाएं तो भोली भाली हैं, हम तो जैसे गुड़ की मक्खी बैठ कर चिपक जाती है, मतलब चिपक करके वहीं प्राण त्याग देती हैं, वैसे स्वभाव की हैं। इस पूरी पंक्ति का भावार्थ ये है। और इस पंक्ति में जो है, अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, इस पद में श्रृंगार और वात्सल्य रस की जो है व्यंजना हुई है, और इस पद में विरह का चित्रण भी प्राप्त होता है, ये इसके जो है विशेषता है। विशेषता पूछे तो विशेषता में आप ये लिख सकते हैं, बाकी यहाँ तक आपको लिखना था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए, जितने भी हमने आपके झारखंड बोर्ड से रिलेटेड जितने भी वीडियो बना रहे हैं, तो ध्यान रखना उन सभी वीडियो को अच्छे से पढ़ लेना, आपके फाइनल एग्ज़ाम में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ना घूम करके आएंगे, तो ये मत सोचना कि ये एग्ज़ाम हो गया तो आप फ्री हो गए और कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके अर्धवार्षिक में भी, इनमें से घूम फिर के आएंगे। गोपिया क्या पाठ के आधार पर तुलसीदास के भाव सुंदर को स्पष्ट कीजिए, ऐसा नहीं लिखा होगा, लेकिन ऐसा लिख सकता है, पाठ के आधार पर तुलसीदास के भाव सौंदर्य कौन सा था, और उसमें चार ऑप्शन दे देगा, फिर उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर जो आपका सिक्स क्वेश्चन है, इसी की बात कर लेते हैं। पाठ के आधार पर तुलसीदास के भाषा सौंदर्य पर पंक्ति लिखो। तो तुलसी का भाषा सौंदर्य अनुपम है, कहने का अर्थ है कि तुलसी ने अवधी भाषा में प्रस्तुत रचना राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में अनूठे भाव से अपनी बात कही है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रस्तुत रचना के स्रोत रामचरितमानस जैसे महाकाव्य का कोई उदाहरण हमें अत्यंत अन्यत्र नहीं मिलता है, परंतु रचना में इसकी भाषा को आम लोग भी पढ़कर इनमें निहित भाव को आसानी से समझ सकते हैं। पूरी पंक्ति या पूर्ण दोहे को पढ़ने के बाद हमें इसका अर्थ समझ में आ जाता है, यानी कि इनकी इतनी भाषा जो है सौंदर्य इतना अच्छा है कि कोई भी आम इंसान भी पढ़े तो वो भी समझ जाए। उदाहरण के तौर पर हम गद्यांश के अंतर्गत आने वाले परशुराम के अपने को बाल ब्रह्मचारी बतलाने वाले प्रसंग को पढ़ने पर आसानी से समझ में आ जाता है। एक अन्य प्रसंग में लक्ष्मण द्वारा परशुराम जी को अभिमानी बताना भी पाठ में सरलता से समझा जा सकता है। इस प्रकार पाठकों के लिए यह पाठ आसान बन पड़ा है। इन सब का श्रेय तुलसीदास जी के अवधि भाषा में सरल लेखन को ही जाता है। तो इस तरह से हम इसका पाठ के आधार पर तुलसीदास के भाषा के सौंदर्य को हमने जो है समझा दिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट सातवें क्वेश्चन पे। सातवें क्वेश्चन पे है, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। तो मैं अपनी मर्जी से लिखूंगा, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी मर्जी या मेरी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के निम्नलिखित कारण होंगे। एक होगा, कबीर का आडंबरों रहित सादा जीवन होता है, कबीर को वो मानते थे तो कबीर के उस पर चल रहे हैं वो, और सामाजिक कुरीतियों का अत्यंत विरोध करते थे कबीर जी, कामनाओं से रहित कर्मयोग का आचरण था उनका, और ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम उनका जो था वो बिंदु है मेरा, और पांचवा है भक्ति से परिपूर्ण मधुर गीतों की रचना, और छठा आदर्शों का व्यवहार में उतरना। तो ये छः मेरी दृष्टि से छः बिंदुए थे जो ये आपको सेटिस्फाई करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। इसके बाद आठवां जो क्वेश्चन है, इसकी बात करें, भगत की पुत्रवधि
पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो भगत के परिवार में पुत्र और पुत्र वधु के अतिरिक्त कोई नहीं था। पुत्र की मृत्यु के बाद उन्होंने पुत्र वधु को उसके घर भेजने का निर्णय लिया, परंतु पुत्र वधु उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वह उन्हें बढ़ती उम्र में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। वह उनकी सेवा अपना फर्ज समझती थी। उनके अनुसार बीमार पड़ने पर उन्हें पानी देने वाला और उनके लिए भोजन बनाने वाला घर में कोई नहीं था, इसलिए भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। आगे बढ़ते हैं नौवे क्वेश्चन पे। नौवा क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो आपको पता है उद्धव के व्यवहार की तुलना गोपियाँ जो है कमल के पत्ते से और तेल की गगरी से करते हैं, जिसमें कि उद्धव को व्यवहार को कमल के पत्ते से इस तरह से बताया गया है कि जो रहता तो पानी में है लेकिन उसमें डूबता नहीं है, पानी का असर कमल के पत्ते पर भी नहीं होता है, अर्थात श्री कृष्ण के सघिन रह करके भी, मतलब श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उद्धव उनके प्रभाव से मुक्त हैं, यानी श्री कृष्ण का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ा, उद्धव पर श्री कृष्ण के प्रेम का भी कोई असर नहीं पड़ता। ये तो पहली चीज़ थी जो उनकी तुलना करते हैं हम। और दूसरी तुलना उन्होंने गोपियों ने की है उद्धव के व्यवहार की तुलना जो है जल के मध्य रखे तेल के मटके से भी करती हैं, यानी कि जिस तरह से तेल से के मटके को जल के मध्य कितनी भी देर रख दो उस पर जल की एक बूंद भी नहीं टूटती है, नहीं टिकती है, उस ठीक उसी प्रकार उद्धव श्री कृष्ण के समीप होते हुए भी उनके प्रेम से वंचित रहते हैं और श्री कृष्ण के प्रेम का उद्धव पर कोई असर नहीं होता और वह ज्ञानियों जैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है, ये दो अंतर हम बता सकते हैं। और दसवां जो लास्ट क्वेश्चन आया है इसमें लिखा हुआ है आपका निम्न का तत्सम रूप लिखिए। तो देखिए एक्चुअली क्या है, ये पक्षी है ना, पक्षी ये पक्षी जो है तत्सम रूप ही है इसका, ये पंछी जो है तद्भव रूप है। ठीक है, तद्भव रूप जो है ये पंछी है, उल्टा दे दिया गया इस क्वेश्चन में, मिस्टेक है, पशु पक्षी में इसमें मिस्टेक है, लेकिन पशु का मुझे नहीं आइडिया एकदम आया सही तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन पक्षी का जो है तत्सम रूप ना होकर के ये तद्भव रूप है, जो तद्भव रूप पंछी होता है, पंछी ये खुद ही पक्षी जो है वो आपका क्या है तत्सम रूप है, ये तत्सम रूप खुद ही है। ठीक है, तो इसीलिए इसका तत्सम नहीं हो सकता, इसका तद्भव हो सकता है, तद्भव जो होगा वो पंछी होगा। अनंत का अनंत हो जाएगा और निष्पक्ष का आपका निरपक हो जाएगा और दोनों का दो जो है हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा सॉल्यूशन है आपके हिंदी क्वेश्चन पेपर का। और इसके अलावा हमने आपका मैथ का कर दिया है सॉल्व, ठीक है, इंग्लिश का कर दिया है सॉल्व, उसके अलावा आपका जो बचता है हिंदी उसको भी कर दिया है सॉल्व, इसके अलावा आपका जो बचता है साइंस उसको भी कर दिया है सॉल्व, उसके अलावा आपका बचता है संस्कृत उसको भी कर दिया है सॉल्व, और उसके अलावा कोई और बचता है आपका पेपर तो एक बचता है SST तो उसको भी कर देंगे सॉल्व। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं 10th क्लास की प्लेलिस्ट झारखंड बोर्ड की जो बनी हुई है उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपका नेक्स्ट पेपर जल्दी अपलोड किया जाएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।